लेकिन अब खतरे की घंटी बज रही है, उन लोगों की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। कौन कौन चाहता है कानून आने चाहिए? किसान कानून जो काले कानून थे उनको रिवाइव करने की बात की। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी करते हैं? बार जब बटन दबाने जाओ ऐसा बटन दबाना कि खट्टर साहब को लगे वो असली खट्टर नहीं है, नकली खट्टर। किसी कानून को लेकर कंगना के बयान पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार कंगना के बयान पर बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है। दरअसल कंगना ने तीन कृषि कानून को वापस लाने की बात कही, हालांकि बाद में उसे अपना निजी बयान कह दिया और बता दिया कि इसमें पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। और देखिए माफी मांगते हुए और क्या क्या कहा है। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है मुझे खेद रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कंगना रनौत के बयान को सोची समझी साजिश बता रही है और ये साबित करना चाहती है कि बीजेपी मौका पाकर कृषि कानून को वापस लेकर आएगी। राहुल गांधी ने तो मोदी जी से स्पष्ट करने को कह दिया कि आखिर वो इसके खिलाफ है या सिर्फ फिर से बदमाशी कर रहे हैं। नमस्कार, ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है, उनके एक सांसद ने किसान कानून जो काले कानून थे उनको रिवाइव करने की बात की। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी आज असंध और बरवाला सीटों पर रैलियों को संबोधित करेंगे, तो वहीं 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर से है, तो उसके परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे। पिछले 10 साल से विपक्ष में रही कांग्रेस इस बार बीजेपी से सत्ता छीनने की उम्मीद में है और हरियाणा में चुनाव में उतरने से पहले जिस तरह राहुल गांधी ने मोदी जी पर हमला बोला है साफ नजर आ रहा है। कंगना के बयान को कांग्रेस चुनाव में सामने लेकर आने की तैयारी कर रही है। कंगना के बयान से हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होगा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है, जिसी के साथ तीन कृषि कानून को वापस लेने की मांग वाले आंदोलन में हरियाणा पूरी तरह शामिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कंगना रनौत का नाम लेकर तंज कसते हुए बीजेपी को घेर लिया है। देखिए अरविंद केजरीवाल का बयान। किसान आंदोलन हुआ था, आप में से हर घर से कोई ना कोई आया था बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे। 13 महीने मैंने सेवा करी थी दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आप लोगों की। वहां पानी भेजता था, जल बोर्ड के टैंकर भेजे मैंने, खाना पीना भेजा मैंने, जो मेरे से हो सका मैंने करा। हार के जब मोदी जी को लगा वो चुनाव हार जाएंगे, उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। लेकिन अब खतरे की घंटी बज रही है, उन लोगों की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। कौन कौन चाहता है कानून आने चाहिए? नहीं आने चाहिए ना। लेकिन यह दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आएं। जैसा भी सुशील गुप्ता जी ने बताया, आज खट्टर साहब का बयान आया है
कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो नकली हैं, वो फर्जी हैं। इस बार जब बटन दबाने जाओ, ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना कि खट्टर साहब को लगे वो असली खट्टर नहीं है, नकली खट्टर। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।